हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गाइस कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस आज जो हम रीडिंग करेंगे वो डिवाइन मैस्कुलिन की करंट एनर्जी को लेकर है कि डिवाइन मैस्कुलिन की अभी क्या एनर्जी है वो हम चेक करेंगे, क्योंकि नया पोर्टल ओपन हुआ है 2 फरवरी को। तो डिवाइन मैस्कुलिन की कौन सी एनर्जी है, वो किस एनर्जी पर रहने वाले हैं, चलिए हम देख लेते हैं। डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन किसी में भी हो सकते हैं गाइस, मेल फीमेल किसी में भी हो सकती है, क्योंकि ये एनर्जी है। तो हो सकता है अभी आप मैस्कुलिन एनर्जी में हो या फिर आप फेमिनाइन एनर्जी में हो। तो अभी हम मैस्कुलिन की एनर्जी चेक करने वाले हैं, तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। तो मैस्कुलिन की अभी ये एनर्जी है गाइस कि उनके सामने सच आया है, कुछ सच्चाई है जो उन्हें पता चली है। और ये भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है गाइस कि डिवाइन मैस्कुलिन जो हैं वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार भी करते हैं। जो फेमिनाइन एनर्जी में है उनकी बात कर रही हूँ, तो जो मैस्कुलिन है वो अपनी फेमिनाइन से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लेकिन थोड़ा सा डिले है, यूनियन में थोड़ा सा डिले दिखाई दे रहा है। पोर्टल के ओपन होने से गाइस मैस्कुलिन को सच्चाई समझ में आ रही है। जैसे पहले वो थे कि उनको चीज़ें समझ में नहीं आती थी, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज रहते थे, लेकिन अब उनको समझ में आने लगा है कि सच क्या है, झूठ क्या है, उनके लिए क्या सही है क्या गलत है। ये आपके पर्सन को इस पोर्टल के ओपन होने के बाद समझ आने लगा है। आपके पर्सन को कैसे डिसीजन लेना है ये समझ में आ रहा है, कौन सी चीज़ उनको कैसे कंट्रोल में करनी है ये भी उनको अब समझ में आ रहा है, और उनके लिए क्या ठीक है क्या गलत है ये भी अब आपके पर्सन समझने लगे हैं। और आपके पर्सन गाइस आपके बिना बिल्कुल भी खुश नहीं है, ये मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। और मैस्कुलिन की लाइफ में गाइस टावर मोमेंट आया हुआ है। मैस्कुलिन का मन है गाइस फेमिनाइन से बात करने का, वो कांटेक्ट करना चाहते हैं आपसे, आपसे मिलना चाहते हैं। जो भी प्रॉब्लम्स आप दोनों के बीच थी उन सारी बातों को आपके साथ मिलकर वो क्लियर करना चाहते हैं। जो भी सवाल आपके मन में है या थे उसका जवाब आपके पर्सन आपको देना चाहते हैं गाइस। लेकिन थोड़ा सा डिले है यूनियन में, ये मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, क्योंकि आपके पर्सन की लाइफ में टावर मोमेंट आया हुआ है। जो मैस्कुलिन है, मैस्कुलिन एनर्जी में जो भी हैं उनकी लाइफ में टावर मोमेंट आया हुआ है और यूनियन में थोड़ा सा डिले है। लेकिन कुछ टाइम इतना वेट अगर फेमिनाइन ने किया है तो थोड़ा वेट और सही गाइस, आपका इंतज़ार का जो फल है वो आपको मीठा ही मिलेगा। और मैस्कुलिन जो है गाइस अभी किसी सिचुएशन में स्टक हैं, ये भी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। तो उस सिचुएशन से उन्हें बाहर निकलना है और अपनी लाइफ में न्यू बिगनिंग करनी है, ये भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और उनको अपनी लाइफ में बैलेंस भी बनाना है और उनको वो सारी चीज़ें अचीव करनी है जो वो चाहते थे। तो अभी जिस भी सिचुएशन में वो स्टक हैं गाइस वहाँ खुश तो नहीं है। और टावर मोमेंट अगर लाइफ में आया है गाइस तो वो बहुत बड़ा भूचाल आ गया ऐसा ही है। टावर मोमेंट आपके रिश्ते में जब आया था तो आपको पता है कि आपने कितना दर्द सहा है। अब वही मैस्कुलिन के साथ हो रहा है कि उन्हें भी परेशानियां मिल रही हैं, उन्हें भी दर्द मिल रहा है। अब आपके पर्सन ने इस बात को भी एक्सेप्ट कर लिया है गाइस कि आप दोनों का रिश्ता कोई नॉर्मल रिश्ता नहीं है, आप दोनों का रिश्ता टूटने वाला भी नहीं है, लॉन्ग टाइम तक चलने वाला है और आप दोनों का यूनियन भी होगा, ये भी आपके पर्सन अब समझ चुके हैं। तो आप दोनों को तो साथ में आना ही है गाइस। लेकिन अभी जो टावर मोमेंट आपके पर्सन की लाइफ में आया हुआ है मैस्कुलिन की लाइफ में, तो वो कुछ टाइम के लिए है, उनको भी चीज़ें समझानी हैं। कुछ बातें ऐसी थी जो आपके पर्सन समझते नहीं थे, बचपना दिखाते थे, तो वही समझाने के लिए उनकी लाइफ में भी टावर मोमेंट आया है। और आपकी लाइफ में भी टावर मोमेंट आया था, तब आपने बहुत ज़्यादा दर्द सहा है और अभी आपके पर्सन को ये सब सहना है। और जब वो वहाँ से, उनका एक साइकिल जब कंप्लीट हो जाएगा तब वो वहाँ से निकलेंगे और आपकी तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि आपके पर्सन को अब चीज़ें समझ में आ रही हैं। ये बहुत खुशी की बात है गाइस, जो पर्सन पहले कुछ नहीं समझता था अब वो सब कुछ समझ रहा है, क्या अच्छा है क्या बुरा है अब वो समझने लगा है। तो इस पोर्टल के खुलने से यही फ़ायदा हुआ है। तो आप दोनों का यूनियन भी जल्दी ही होगा गाइस, आप पॉजिटिव रहिए और अपने पर्सन को मैनिफेस्ट कीजिए, हीलिंग सेंड कीजिए उनको। तो यही रीडिंग है गाइस। आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।